सिंगल एंटर में अपना जो होमवर्क था, होमवर्क चेकिंग सेल्फ, सबसे पहले सम नंबर वन जिसमें ओपनिंग कैपिटल तो निकालना नहीं था, वो दिया हुआ था 1,20,000। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट अफेयर्स जो बनाया उसके ऊपर हेडिंग पहले रहेगा वर्किंग नोट, उससे आप लोग का कैपिटल कितना आया है, 1,14,000। कैपिटल के पास में ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, जो नहीं लिखेगा वो फेल हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, क्लोजिंग कैपिटल 1,14,000 प्लस ड्राइंग्स कितना, 25,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 माइनस फर्दर कैपिटल 20,000, तो नेट लॉस आ रहा है कितना, 1,000 का देयर इज अ नेट लॉस। क्लियर एवरीवन? नंबर फोर में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्किंग नोट में एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018, वहाँ से हम लोग जब कैपिटल निकाल रहे हैं, कैपिटल कितना आ रहा है, 14,000 ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग 16,250। उसके बाद स्टेटमेंट्स और हेडिंग इनकम्प्लीट नहीं रहे, पूरा कंप्लीट कर लोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डिटेल्स एंड अमाउंट कॉलम में रुपीज़ का सिंबल होना चाहिए। प्लीज़ चेक इन योर कॉपीज एवरीवन, एल्स मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन एग्जामिनेशन। अगर नहीं है तो ठीक से लिखो। क्लोजिंग कैपिटल 16,250 प्लस ड्राइंग्स 4,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 14,000 माइनस फर्दर कैपिटल 3,500, सो प्रॉफिट 2,750। अभी क्वेश्चन में हमको करने क्या बोला है, कैलकुलेट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, दैट्स इट। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही बनाना है खाली, फाइनल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, फाइनल स्टेटमेंट बनाने नहीं बोला आपने को। क्लियर? सो नेक्स्ट सम नंबर फाइव। नंबर फाइव में कैपिटल ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना कितना आ रहा है सबका, 95,400 and 1,56,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पूरा लिखना है, पीएल जो लिखे हो करेक्शन कर लीजिएगा। क्लोजिंग कैपिटल 1,56,000 प्लस ड्राइंग्स। अभी ना ध्यान से इस स्टेटमेंट को आप लोग अंडरलाइन कर लेना एक बार चाहो तो मैथ में। ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू ₹20,000 आउट ऑफ विच ही स्पेंट 16,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ टू व्हीलर फॉर द बिजनेस। लेकिन एक बार ना सभी को इस बात को वापस देखना, ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू ₹20,000 आउट ऑफ विच ही स्पेंट 16,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ टू व्हीलर फॉर द बिजनेस। तो एक बात तो आप लोगों ने सही समझा है, ड्राइंग्स 4,000 होगा बिकॉज 20,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ किया, उसमें से 16,000 रुपये बिजनेस के लिए ही यूज हो गया, तो ड्राइंग्स तो 4,000 ही है। बट एक जगह जहां आप लोग गलती कर रहे हो, वर्किंग नोट में परफेक्ट, दैट्स वेरी गुड। एसेट्स में जब फाइन जब अपने स्टेटमेंट फेस बनाया वर्किंग नोट वाला क्लोजिंग वाला, उसमें टू व्हीलर या स्कूटर बोल के भी तो लिखना होगा 16,000 रुपये क्लोजिंग वाले में। बोलने का मतलब आप लोगों का जो क्लोजिंग कैपिटल 1,56,000 है वो गलत है, वो कितना होगा, वो दैट्स वंडरफुल 1,72,000 होगा वो। तो टू व्हीलर एसेट्स में लिखना होगा आप लोग को 16,000, एसेट्स में टू व्हीलर आएगा 16,000। वेल सो टू व्हीलर क्लोजिंग वाले में ले लिया आपने, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया 1,72,000। अभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्लोजिंग कैपिटल 1,72,000 प्लस ड्राइंग्स
4000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 95400, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? कितना? 80,600। अब माइनस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अभी ना एक इम्पॉर्टेंट चीज, लिसन, जस्ट पे अटेंशन, वन स्मॉल एस्पेक्ट। डेप्रिशिएट, देखिए क्या लिखा है, बुक पे नज़र रखो, फर्नीचर टू व्हीलर एट 10% पर एनम वर्ड इज़ नॉट मैंशनड। क्लियर? बहुत ध्यान से एक बात को सुन लो, उसका नोट करा दूंगा। पर एनम वर्ड अगर नहीं दिया है, एंड जैसे आप फर्नीचर देखो, पहले था 20, बाद में कितना है 30। डेट ऑफ परचेज, मतलब 10 का परचेज हुआ है, डेट ऑफ परचेज नहीं दिया, पर एनम वर्ड भी नहीं दिया, दोनों बात, दो बातें मिसिंग है। पर एनम वर्ड इज मिसिंग, डेट ऑफ परचेज इज मिसिंग, इन दैट केस डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द फुल ईयर। क्लियर? आप सम्स के वहीं पे ही नोट कर सकते हो इस बात को, या मैट में इस क्वेश्चन के ऊपर में स्टार मार्क मार्क करके, अंडरलाइन करके बहुत अच्छे से इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना? लिख लो, इफ इफ द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट इज नॉट गिवन, इफ द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट इज नॉट गिवन एंड पर एनम, पर एनम को इन्वर्ट कॉमर्स में, पर एनम इज नॉट गिवन, एंड को ना अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, जो बीच में एंड लिखे हो, एंड राइट कॉमा, देन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट फॉर द होल ईयर। ठीक है? सो अपने इस केस में डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, डेप्रिसिएशन टू व्हीलर भी 1600 हो जाएगा, है ना? कि टू व्हीलर का भी डेट नहीं दिया है, तो टू व्हीलर का डेप्रिसिएशन 1600 हो जाएगा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 3000 हो जाएगा। वेल, सो ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 80,600, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000, डेप्रिसिएशन टू व्हीलर 1600, बैड डेट्स 800, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000। तो ये लेस वाले आइटम्स का टोटल कितना हो रहा है? लेस वाले आइटम्स का टोटल दैट वाज 3,000, 1,600, 2,800, 4,000, 11,400। तो 80,600 माइनस 11,400, राइट? दैट इज 69,200, एंड एड प्रीपेड सैलरी 1600, सो दैट कम्स टू 70,800। सर,
क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैपिटल ओपनिंग 77,600 एंड क्लोजिंग कैपिटल 1,12,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्लोजिंग कैपिटल 1,12,000 प्लस ड्रॉइंग्स 7,000 माइनस फर्दर कैपिटल 13,000। पेंशन का मिला था 20,000, उसमें से 13,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो 13,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 77,600, सो ग्रॉस प्रॉफिट 28,400। लिसन नाउ, देयर इज अ बिग कंफ्यूजन ड्यूरिंग द ईयर। इस नंबर सिक्स में ही विदड्रू रुपीज 1,000 इन कैश। स्टेटमेंट पे ध्यान ध्यान देना है। ड्यूरिंग द ईयर ही विदड्रू रुपीज 1,000 इन कैश एंड 500 इन गुड्स ईच मंथ। ड्यूरिंग द ईयर ही विदड्रू 1,000 इन कैश। क्वेश्चन पे नजर रखो एक बार, 1,000 इन कैश एंड 500 इन गुड्स ईच मंथ। साफ समझ में आ रहा है? एवरी मंथ 1,500, इट्स वेरी क्लियर। सो ड्रॉइंग्स विल नॉट बी 7,000, ड्रॉइंग्स विल बी 18,000। दैट्स अ करेक्शन, ड्रॉइंग्स विल बी 18,000। ड्रॉइंग्स 18,000 होगा, सो 1,12,000 क्लोजिंग कैपिटल प्लस 18,000 1,30,000 माइनस फर्दर कैपिटल 13,000 1,17,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 77,600 39,400 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर सेवन, अपने का पूरा चेक कर लेते हैं। सेवन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग और जो बनाते हैं आप एज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, उसमें ऑलरेडी कैपिटल अपना दिया हुआ था 50,000 एंड 70,300। सो उसका ज़रूरत नहीं था बनाने का। अगर कोई बनाए तो उसके ऊपर में नो नीड लिख दीजिएगा, नो नीड। ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ था 50 एंड 70,300, ऑलरेडी दिया हुआ था, हमको नहीं बनाना। दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वर्किंग्स, दैट नॉट अ पार्ट ऑफ अफेयर्स। काट के लिखिए उसमें नो नीड, जिन्होंने बनाया है। हाँ जी, लिखिए लिखिए फटाफट, कोई शर्माइए मत, नहीं तो बाद में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे बोलेंगे मम्मी आपको इतना भी नहीं आता था, पापा आपको इतना भी नहीं आता था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, क्लोजिंग कैपिटल 70,300 प्लस ड्रॉइंग्स 15,600 माइनस ओपनिंग कैपिटल 50,000 माइनस फर्दर कैपिटल, उसने अपना हाउस होल्ड फर्नीचर बिजनेस में ट्रांसफ़र किया था 1 जुलाई को। सानिया मिर्जा ट्रांसफर्ड सम ऑफ हर हाउस होल्ड फर्नीचर टू द बिजनेस एट अ वैल्यू ऑफ 2,100। सो माइनस फर्दर कैपिटल 2,100। सो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एवरीवन कितना, तो 70,300 प्लस 15,600 माइनस 50,000 एंड 2,100, राइट? सो 33,800 इज द ट्रेडिंग प्रॉफिट और द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर जो पहले था 6,900 वाले का, उसके ऊपर 10% फुल ईयर का, एंड 2,100 वाले के ऊपर में 9 मंथ्स का, हाँ या ना? सो
टोटल डेप्रिसिएशन कम्स टू 848। लिसन, फर्नीचर बैलेंस शीट में जो 6900 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको एंड बाद में दिया हुआ है 9000, वही तो डिफरेंस है 2100 का, वही तो है जो अपने घर से दिया था, वो 6900 का ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 9000 है, उसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है दैट 2100 का फर्नीचर अपने घर से दिया था वो, तो 6900 के ऊपर फुल ईयर का चार्ज कर रहे हैं आप एंड 2100 वाले के ऊपर में 9 मंथ्स का, क्योंकि जुलाई में दिया था उसने, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का, बात समझ रहे हैं, मतलब कि आप दो बार नहीं कर सकते कि 6900 प्लस 9000 बाई टू उस या उसके ऊपर में और फिर 2100 के ऊपर अलग से, वो नहीं करना था, 6900 वाले के ऊपर में फुल ईयर का, 2100 का सिंस डेट मालूम है हमको तो उसके 9 महीने का, तो 848 हो जाएगा, पॉइंट में नहीं लेते 848 राइट, पॉइंट में क्यों नहीं लेते, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी के चलते पॉइंट में कभी नहीं लेते हम लोग। उसके बाद डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट करना था, 1845 पीबीडीडी, बिकॉज डेटर्स था हमारा 36900 उसके ऊपर में 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% 50000 के ऊपर, वो भी लेस होगा, वो भी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, दैट इज 2500। सो हमारा नेट लॉस कितना हो रहा है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इन सबका टोटल 848 प्लस 2500 प्लस 1845 क्या, सो 5193 आउट ऑफ कॉलम माइनस होने के बाद 28607 इज द नेट प्रॉफिट 28607। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सम नंबर 8, में आपका कैपिटल ओपनिंग 3 लाख आएगा एंड क्लोजिंग कैपिटल 2,82,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्लोजिंग कैपिटल 2,82,000 प्लस ड्रॉइंग्स 40,000 माइनस फर्दर कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल 75,000, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, सो ग्रॉस लॉस 53,000। उसमें से डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी माइनस होगा 25,000, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 4,500, प्रोविजन फॉर नहीं पहले बैड डेट्स 8,000, के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वुड बी 2,400, 2,400, दैट्स इट, सो लेस वाला टोटल आइटम्स 39,900, नेट लॉस 92,900। इसमें अपने को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाने बोला है, ये वो पूरा चेक करा दे रहे हैं, कैश वुड बी 18,000, स्टॉक वुड बी 20,000, डेटर्स 32,000, लेस बैड डेट्स 8,000, लेस पीबीडीडी 2,400, 21,600, बिल्स रिसीवेबल 7,000, कंप्यूटर्स 45,000, लेस 4,500, 40,500, मशीनरी 2,50,000, लेस 25,000, 2,25,000, लाइब्रेरीज में कैपिटल 3 लाख प्लस फर्दर कैपिटल 75,000 माइनस ड्रॉइंग्स माइनस नेट लॉस आउटर कॉलम 2,42,100, क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 40,000, टोटल 3,32,100। नंबर 9 श्री भारत वाले सम्स में ओपनिंग कैपिटल इज 89,400,
क्लोजिंग कैपिटल इज 85,500। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, क्लोजिंग कैपिटल 85,500 प्लस ड्रॉइंग्स 7,200 माइनस ओपनिंग कैपिटल 89,400, ग्रॉस प्रॉफिट 3,300 माइनस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स अलग है, 15% पर एनम बोला था, 6,300 निकाले हैं। चलिए दोनों कोई सा मेथड फॉलो करके किया। फर्नीचर के ऊपर में 12.5% था, 1050। बैड डेट्स 500 है, बैड डेट माइनस होने के बाद 22,000 का जो डेटर्स बचा उसके ऊपर पीवीडीडी 5%, 22,300 के ऊपर, सॉरी हाँ 1,115, 1,115। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलेगा हमेशा 4,470। सो लेस ऑल आइटम्स का टोटल इज 13,435। नेट लॉस इज 10,135। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने बोला है, इसमें स्टॉक 27,900, फर्नीचर 9,600, लेस डेप्रिसिएशन 1,050। आउटर कॉलम 8,550। कैश इन हैंड 9,600, प्लांट एंड मशीनरी 48,000, लेस 6,300। आउटर कॉलम 41,700, डेटर्स 22,800, लेस बैड डेट्स 500, लेस पीबीडीटी 1,115। ऑटो कॉलम 211185। कोई अगर डिक्टेशन लेकर के चेकिंग कर रहे हो तो ये अकाउंट्स की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास नहीं है। पहले होमवर्क करें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके सम चेक करें। हाँ सर, आप ही को बोल रहा हूँ, डिक्टेशन लेने की क्लासेस नहीं होती, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स थोड़ी चल रहा है, अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स इज नॉट अ क्लास फॉर टेकिंग डिक्टेशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। होमवर्क करने के बाद ही आप लोग चेक करो, अदरवाइज वीडियो को पॉज करो, पहले होमवर्क करो उसके बाद चेक करो। क्रेडिटर्स 21,600, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,800, कैपिटल 89,400 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,470 ऐड होगा उसमें, माइनस ड्रॉइंग 7,200, माइनस नेट लॉस 10,135। सो बैलेंस टोटल कम्स टू 108,935। सम नंबर 10, आप जेटी मैट से तो ध्यान से देखना। सुजीत केप्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, द फॉलोइंग वाज हिज पोजीशन एज ऑन 1/1/17। डेफिनेटली दैट इज ओपनिंग डेट, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, बैंक, कैश, क्रेडिटर्स, लोन। लोन ऑब्वियसली कहाँ लोगे, लाइबिलिटीज में। ये तो ओपनिंग का, ये हो गया आपका ओपनिंग का डिटेल्स। लोन जो क्वेश्चन लिखा है इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी। ड्यूरिंग द ईयर न्यू फर्नीचर ऑफ ₹500 एंड मशीनरी ऑफ ₹1,000 वेयर इंस्टॉल्ड। मतलब इस समय क्लोजिंग का फिगर्स वैसे अलग से नहीं दिए हैं, हमको निकालना होगा। मतलब क्लोजिंग वाला फर्नीचर हमारा 2,000 पहले से था प्लस 500, 2,500 हो जाएगा। मशीनरी पहले से 4,000 था, हमने 1,000 का और ख़रीदा है, क्लोजिंग में मशीनरी 5,000 हो जाएगा। सुजीत ड्यू फ्रॉम द बिजनेस 800 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, इंट्रोड्यूस 9,000 फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिए हैं। ऑन 31 दिसंबर स्टॉक वॉज वेल्ड एट 900, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 900। डेटर्स ऑन ओपन अकाउंट, डेटर्स ऑन ओपन मतलब डेटर्स, सिंपल डेटर्स 2,500, क्रेडिटर्स 3,000, कैश 600, कैश एट बैंक 3,200। ये सब कुछ दे दिया। अभी देखो ओपनिंग डेट है, बिल्डिंग था 8,000, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। एक फंडामेंटल रूल ध्यान में रखोगे, ओपनिंग जब ऐसा कोई समझ रहे हैं ना, ओपनिंग डेट का फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, क्लोजिंग डेट में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग उनको एज इट इज ले लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, ये सब। जैसे यहाँ पे बाहर में फर्नीचर मशीन के बारे में नहीं बोलता ना, हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग फर्नीचर 2,000 ले लेते, मशीन 4,000 ले लेते, बिल्डिंग 8,000। अभी हम लोग बिल्डिंग 8,000 लेना ही है, अब मशीन और फर्नीचर तो ऐड करके जो नया वैल्यूज है वो ले लिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स एसेट्स ओपनिंग डेट का है, उसके बारे में क्लोजिंग डेट में अगर कुछ नहीं बोला है हम एज इट इज़ उनको ले लेंगे, मान लेंगे वैल्यूज कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नो परचेज नो सेल, नंबर वन।
नंबर टू, आगे देखो आप, शो द स्टेट अफेयर्स एज ऑन 1/17 एंड 31/17, डेप्रिशिएशन इन फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 10%, 5%, 2% पर एनम रिस्पेक्टिवली, मतलब तीनों में पर एनम समझना आपको, एंड प्रोवाइडिंग फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट पीयर इन द स्टेट अफेयर्स ऑन दैट डेट। लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, जैसे फिक्स एसेट्स होता है वैसे फिक्स लाइबिलिटीज के बारे में सेम असम्पशन। लोन वी कैन अज्यूम टू बी अ फिक्स लाइबिलिटी, मतलब ओपनिंग में 2000 लिए लाइबिलिटीज में, क्लोजिंग में भी 2000 लाइबिलिटीज में ले लो आप, क्लियर। तो पहले तो वही सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट समझ में आ गया कैसे बनेगा अब तो ये सम्स को मैं चेकिंग अभी नहीं करा रहा हूँ, दिस विल रिमेन एज होमवर्क फॉर द नेक्स्ट डे। नंबर 11 विल रिमेन एज होमवर्क, अब करते टाइम में आप लोग पर एनम वाला फंडाज बता ही दिए, कहीं पे वैसा कुछ हो तो ध्यान रखिएगा। नंबर 12 विल ऑल्सो बी होमवर्क, नंबर 13 विल बी होमवर्क, विल कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसमें ना दो वैरायटी के होते हैं, इस वैरायटी के हम लोग एंड में आ जाएंगे, अब सिर्फ दो सम्स हैं 14 एंड 15, वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। विल रिमेन एज होमवर्क, पहले 15 में आ जाओ आप, 15 में आ जाइए पहले आप, उसमें दो चीज़ें ध्यान से अंडरलाइन करना आपको। मिस्टर सुमित डज नॉट मेंटेन कंप्लीट डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट वाले को अंडरलाइन कीजिएगा प्लीज एंड पुट अ स्टार मार्क उसके बगल में। फर्नीचर वर्थ रुपीज 1000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 5000 ऑन 1/1/18। फर्नीचर वर्थ रुपीज 1000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 5000 ऑन 1/1/18। आप नीचे देखें एक बार, जब एसेट और लाइबिलिटीज का डिटेल्स दी है उसमें लास्ट में फर्नीचर 3000 ओपनिंग 2000 क्लोजिंग, कितना बचा सही, डिफरेंस कितना है 1000। समझ में आ रही है ये डिफरेंस क्या है, वही 1000 जो सेल कर दिए थे, ओपनिंग गेट में 3000 है, क्लोजिंग में 2000 है, और ऊपर लाइन में क्या लिखा था कि साल के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही आपने 1000 रुपये का फर्नीचर 5000 में बेच दिया था, वही तो लिखा है ना, 1/1/18 को बेचा था, मतलब क्या यार, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1000 रुपया बुक वाले का फर्नीचर बेचा। नीचे भी देख के वही डिफरेंस आ रहा है ना, 3000 2000। पहली बात तो आपने 1000 का फर्नीचर 5000 में बेचा, 4000 का प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट्स होता तो पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं हम, सिंगल एंट्री में को मतलब भी नहीं है, सब मोह माया है। सिंगल एंट्री में हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं यार, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल आगे ट्रेडिंग प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, वो ध्यान में रखो वो सारा का सारा नॉन कैश एडजस्टमेंट्स होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के बाद आपने अभी तक जितना भी आइटम्स किया रिकॉल करके देखिए, उसमें से एक भी कैश एडजस्टमेंट नहीं है, सारा नॉन कैश एडजस्टमेंट्स है। डेप्रिसिएशन किया आपने, बैड डेब्ट्स किया आपने, पीबीडीडी किया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बुक एंट्री होता है खाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो बुक एंट्री, एक्चुअल तो ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है यार। सो दिस आर ऑल नॉन कैश एडजस्टमेंट्स। अभी यहाँ पे फर्नीचर आपने बेचा 1000 का 5000 में, चाहे तो प्रॉफिट हुआ है ना, बेची प्रॉफिट हो गया ना, वो ऑलरेडी हमारे क्लोजिंग वाले एसेट्स में इंक्लूडेड है, कुछ नहीं करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझ में आएगा दैट नीचे फर्नीचर 3000 2000 जब डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, 2000 रुपये निकालना है फुल ईयर का, 3+2/2 वाला फंडा अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में तो बेच दिया था, वो डेट दिया हुआ है। हम लोग तो एज्यूम करते हैं जब ड्यूरिंग द ईयर जब होता है, जब डेट दिया हुआ नहीं होता है तब एज्यूम करते हैं, तब हम लोग हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हाँ या ना। yes. यहाँ डेप्रिसिएशन 2000 के ऊपर फुल ईयर का होगा, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतना सा काम आ रहा है, आ रहा है समझ में। इसके बारे में जो भी लिखना है अपनी भाषा में नोट कर लेना। नंबर टू, इस समय एक और बहुत अच्छा एडजस्टमेंट, बैंक देखिए आप, पहले था 10,000 बाद में 5,000 ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट, नीचे क्या लिखा है, बैंक बैलेंस ऑन 1/1/18 इज एज पर कैश बुक बट द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन 31/12/18 इज एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा है, पहला डेट
1118 वाला बैंक बैलेंस हो या उस पर कैश बुक है यार, हमारे बुक्स में ना, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वाला लिखते हैं, पासबुक वाला नहीं लिखते। तो ओपनिंग डेट हो तो क्लियर है, करेक्ट है। वो ओवरड्राफ्ट ऑन 31 दिसंबर 2018 इज एज अ बैंक स्टेटमेंट, अंडरलाइन कीजिए उसको पूरा। वो क्लोजिंग डेट वाला इज एज पर पासबुक, बैंक स्टेटमेंट पासबुक। तो हमको तो उसको कैश बुक में कन्वर्ट करना है। नीचे एक आइटम दिया, ₹2000 बाई चेक्स ड्रॉन इन दिसंबर 2018 हैव नॉट बीन इनकैश्ड विद इन द ईयर, दोज आर चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आई होप अंडरस्टैंड, इट हैपेंस टू एन आइटम ऑफ BRS। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मालूम है, हमको एज पर कैश बुक निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको तो मेरा वर्किंग नोट में जो स्टेटमेंट बनाना है एंड फाइनल स्टेटमेंट अफेयर्स जो बनाना है, दोनों में ही हमको तो बैंक बैलेंस कौन सा लेना होता है? एज पर कैश बुक वाला लेना होता है। ये तो एज पर पासबुक है 5000 और चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। BRS में इफ यू आर स्टार्टिंग विथ, करेक्ट, ऐड होगा। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ पासबुक ओवरड्राफ्ट, इफ यू आर स्टार्टिंग विथ पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो आपको याद होगा हम लोग उसको उल्टा लेके करते हैं। तो कैश बुक, तो चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 7000। समझ में आ रहा है? करना क्या है आपको? वर्किंग नोट में एक छोटा सा एक BRS बना देंगे आप, सबसे पहले यही वर्किंग बनेगी, मतलब स्टेटमेंट अफेयर्स बनाने से भी पहले वर्किंग नोट में छोटा सा BRS बना लेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा कितना? 7000 आ जाएगा। वर्किंग नोट वाले में जब ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज में कितना लेंगे? 7000। फाइनल स्टेटमेंट जब बनाएंगे उसमें 7000, और इस 2000 का या 5000 का कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस 2000 का एंड 5000 का और पूरे सम्स में कुछ भी नहीं होगा, क्लियर? जैसे फर्नीचर वाला में बेच के चार प्रॉफिट, उसका भी कुछ नहीं होगा। वो इन्फॉर्मेशन का डेप्रिसिएशन के काम है कि डेप्रिसिएशन हमारा ₹200 होगा, वैसे यहाँ पे हमारा ये सिर्फ ऐड करके मतलब BRS बनाने के काम में आ रहा है। गॉट इट? पुट अ स्टमक इन द क्वेश्चन, दिस वाज अ रियली वंडरफुल वन।